जाने-माने चेहरे शिक्षा जगत के, पहले कांग्रेसी आज अपने साथ जंग के लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, और मंचर उपस्थित भिंडा साहब और बीकानेर के जो है माननीय सांसद जो हथकड़ी से तोड़ना चाहते हैं, और बाकी सब जो है उपस्थित नेतागण। चुनावी रिजल्ट तो बच चुका, हर पांचवें साल राजस्थान के देश के मतदाताओं को इस बात का अवसर मिलता है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है उसको वापस लाइसेंस देकर सरकार चलाने का, या उस सरकार को बदलना। और भाई बहनों, जो चुनाव प्रारंभ हुए, चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ, कांग्रेस ने 5 दिन पहले चालू किया, 30 मार्च से राजस्थान में कांग्रेस की संदेश यात्रा चालू की, और 4 अप्रैल से श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपनी सुराज संकल्प यात्रा चालू की। ये 2 यात्राएं राजस्थान में प्रारंभ हुई चुनाव की दृष्टि से। शुरू में थोड़ा कांग्रेस की संदेश यात्रा को समर्थन मिला, लेकिन जब संदेश यात्रा गांव में पहुंचने लगी, जनता में पहुंचने लगी, गांव गांव जाने लगी, तो क्या संदेश था? संदेश दो तरह के होते हैं, या तो शुभ संदेश या शोक संदेश। भाई और बहनों, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं और अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान की जनता जिस महंगाई के दौर से गुजर रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, अगर बिजली की रेटें बढ़ती है तो सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, ऐसी हालत में एक के बाद एक महंगाई की मार राजस्थान और देश की जनता पर पड़ रही है। अशोक जी गहलोत, आपकी संदेश यात्रा में इस महंगाई को कम करने का कोई शुभ संदेश है? इस महंगाई से राहत देने की कोई नीति है? इस महंगाई से निजात पाने के कोई कार्यक्रम है? बात नहीं। आज सारे देश का, राजस्थान का नौजवान बेकार है, और बेकारी की मार जिस तरह से पड़ी है, और जहाँ एक एक सीट के लिए हजार हजार अर्जियां आती है, देख लो, चाहे पटवारियों की हो, चाहे सिपाहियों की हो, चाहे दूसरी हो, लाखों लाखों लोग आज नौकरी पाने के लिए लालायित हो रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत, क्या आपकी संदेश यात्रा में इस नौजवान के लिए रोजगार देने का, नौकरी देने का सकारात्मक कार्यक्रम है? आज सारे राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई। एक सरकार के लिए 2 बातें आवश्यक है, सुराज के लिए, एक तो कानून और व्यवस्था ठीक हो, और एक विकास के कार्यक्रम ठीक ढंग से चले। मैं कानून और व्यवस्था को पहला स्थान देता हूँ, और भाई और बहनों, केवल 2 उदाहरण काफी है कि आज राजस्थान के जितने थाने हैं, जितना पुलिस विभाग है, इसका माफियाओं का, नेताओं का गठजोड़ पुलिस को निष्क्रिय किए हुए है, सही ढंग से पुलिस पे कोई कार्यवाही नहीं होती। और उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको भी आश्चर्य होगा, राजस्थान के 60 साल में ऐसे बेमिसाल उदाहरण आपको नहीं मिलते। चित्तौड़ के हरिसादरी के एक विधायक है प्रकाश चंद्र चौधरी, वो अपने यहाँ से ये टावर लगते वो हटवाना चाहते थे, नीचे से लगाकर ऊपर तक उन्होंने जोहार कर ली, प्रार्थना कर ली राजस्थान सरकार से, कांग्रेस की, दिल्ली की सरकार से, कांग्रेस की, और ये कांग्रेसी विधायक सब जगह हाथ बांध करके और फिर आया टावर पर चढ़ गया। 6 घंटे तक ये टावर पर लटकता रहा और चिल्लाता रहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कुछ अन्यथा कर बैठूंगा। तब सरकार हरकत में आई, कही ये सरकार कैसे चल रही है। एक दूसरा उदाहरण हो, हमारे जयपुर रूरल के सांसद है कांग्रेस के लालचंद कटारिया। अब ये लालचंद जी कटारिया दिल्ली में मनमोहन जी की सरकार में मंत्री है, कांग्रेस के सांसद है, राजस्थान में गृह मंत्री अशोक जी गहलोत है, तालवार थाना इनके क्षेत्र में, वहां एक हत्या हो गई, मर्डर हो गया, हत्यारों को पकड़वाने के लिए, आरोपियों को पकड़वाने के लिए इन मंत्री महोदय ने नीचे से लगाकर ऊपर तक सब जगह अर्जियां लगा दी। फेल होने के बाद
आपको आश्चर्य होगा राजस्थान के क्या देश के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक केंद्रीय मंत्री अपने सरकार के थाना कालवाड़ के बाद 7 घंटे तक धरना देता है और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। अंदाजा लगाओ किसे राजस्थान में क्या स्थिति बन रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी, अशोक जी गहलोत का पुलिस से पूरी पकड़ खत्म हो चुकी, राज का एक बार खत्म हो चुका और ऐसी हालत में क्या इसी सरकार को वापस आपको लाना है? कुछ नहीं है, विकास के काम ठप पड़े हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, राजस्थान के चुनाव होने वाले नवंबर में, और उस नवंबर में फैसला करना है, सीधा सीधा फैसला है कि अगली सरकार अशोक जी गहलोत और कांग्रेस को देनी है या अगली सरकार श्रीमती वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी को देनी है। ये फैसला आपको नवंबर में करना है। और जिस तरह हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं, हो सकता है लोकसभा के चुनाव भी विधानसभा के साथ हो। अब लोकसभा 9 साल के प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, और 9 साल में 90 घोटाले हुए, अरबों के घोटाले, लाखों के घोटाले, घोटाला ही घोटाले, कोई पार्लियामेंट का सेशन ऐसा नहीं गया जो घोटालों की वजह से ठप नहीं हुआ हो। क्या इस घोटाले वाली सरकार को फिर से रिपीट करना है? और सबसे बड़ा खतरा जो आज इस देश में बढ़ता जा रहा है वो है नक्सलवाद का कानून व्यवस्था। नक्सलवाड़ी एक छोटा सा काम पश्चिमी बंगाल में, वहां पे इंसाफी थी, बेकारी थी, बेरोजगारी थी और नौजवान को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोच लिया कि ये चुनी हुई सरकार चाहे राजस्थान की हो चाहे दिल्ली की हो, हमारा कोई भला नहीं कर सकती, कोई राहत नहीं सकती। उन्होंने बंदूक उठा ली और हथियार के आधार पर देश की सरकार को बदलने का अभियान लेकर चले। क्या इस अभियान को रोकना चाहिए था? हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, बुलेट से सरकार बनने में नहीं, बैलेट से सरकार बनने में विश्वास करते हैं, लेकिन उस अभियान को नहीं रोका गया। आज की तारीख में अभी 1.5 महीने पहले 32 राजनेताओं को उड़ा दिया, उन्होंने गोली से उड़ा दिया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं, 1,000 दिया। आज 6 दिन पहले 6 पुलिसकर्मियों को नक्सलवादियों ने उड़ा दिया, कुछ दिन पहले पटना में रेल कर्मियों को उड़ा दिया। और आपको आश्चर्य होगा, ये नक्सलवाद उत्तर में हमारे पशुपतिनाथ मंदिर जो कि नेपाल में है, और दक्षिण में हमारा तिरुपति का मंदिर जो दक्षिण में है, इसके बीच में 8 राज्यों में आज की तारीख में नक्सलवाद अपने पैर जमा चुका है। और ये 8 राज्यों में 131 जिलों में नक्सलवादी उसके प्रभावित सरकार चलती है, वह कोई सुनने वाला नहीं। हत्याएं, आतंक, मर्डर ये हो रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। और एक चेतावनी आपको भी, ये आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान, ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये पिंडवाड़ा, आराम से एक बात और सुन लीजिए मेरी, मैं अपनी बात बात करने वाला हूं कि कोई सुनने वाला नहीं। राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी निवास करते हैं और इस 65 साल की माननीय जसवंत सिंह जी नसोर, स्वागत है आपका। और जसवंत सिंह जी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी के साथ एक सशक्त हस्ताक्षर, एक दक्ष सहयोगी के रूप में इन्होंने राजस्थान की भला करने में और दिल्ली के हर महकमे में जो जो भी महकमा इनको मिला उसमें काम करने की प्रशासनिक दक्षता की अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे जसवंत सिंह जी जसोल आज हमारे बीच में है, आपका स्वागत मैं करता हूँ और आप जनता से कहता हूँ तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। भाइयों बहनों, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले कहना चाहता हूँ, दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद खेल चुका और वो आदिवासी जो 65 साल से अपने लिए आजाद होने की, खुशहाल होने की, न्याय पाने की उम्मीद में बैठा था, उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो नक्सलवाद के लिए उर्वरा जमीन तय कर चुका है। राजस्थान की सरकार जो भी आए और ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। नक्सलवाद को अगर रोक सकता है इस देश में कोई, तो नरेंद्र मोदी रोक सकता है, जिसमें प्रशासनिक क्षमता है, जिसमें ताकत है, जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। और इसलिए दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार,
आने वाले चुनाव में दोनों को फाड़ फेंकिए। यही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।